अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डिल्लो परिवार के पोते की शादी हुई है, 1,00,000 शगन लेके जाऊंगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? आप बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। राजा तो एकदम रणवीर लग रहा है और बहू रानी एकदम आलिया, क्या जोड़ी है, नजर न लगे दोनों को। चिपक के खड़ी है मेरे तेज के साथ और इतने महंगे कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे तुझ पर दीदी। रानी मैडम जी किसी किन्नर के साथ कहाँ जा रही है? ओह नहीं, जाकर कला बेटा तू यहाँ क्या कर रही है इन किन्नरों के साथ? तो कला कला क्या कर रही है बेटा? एक कन्हटा कन्हटा तेज से मेरी शादी टूट गई, पता है उसकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है मेरी, अब कौन करेगा मुझसे शादी? इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी आंटी जी, मैं मर जाऊंगी, मेरे पास और करने के लिए बच्चा भी क्या है। नहीं, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे घर की बहू बनाएंगी, फिर आपने तेज की शादी थी, क्यों करा मेरी बात? आप सुनो, हर लोग खुशी देख कर अंदर से तो मेरी आत्मा बेटी मर गई, मैं नहीं जी सकती। शॉट मारे तेरे दुश्मन, चलो। रोज रोज घुट घुट के जीने से अच्छा है, रोज रोज मरने से अच्छा है मैं एक बार में अपनी पूरी तकलीफ खत्म कर दूं। वैसे भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है अब जीने के लिए, मुझे मर जान दीजिए, मुझे मर जान दीजिए, मुझे तुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सोचने का काम मेरा है, तू सिर्फ अपना दिमाग शांत रख। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि 5 दिनों के अंदर मैं इस 2 कौड़ी की नौकरानी को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी और इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब ऐसा क्या करने वाली है? मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने से पहले तुझे मेरा पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। रानी मैडम जी को इसी कमरे में लेकर आई थी, चले गए।
अच्छा हुआ इस सड़क छाप को इस तरफ आते हुए मैंने देख लिया था, वरना प्लान बिगड़ जाता। पापा प्लीज, ये सब नहीं होगा मुझसे। तेज, मैंने कहा ना कि बहू की आज मुंह दिखाई और मुंह दिखाई पुराने कपड़ों में नहीं होगी। तेज पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुझे बहू पसंद नहीं है, पर फिर भी दुनियादारी के लिए कई काम करने पड़ते हैं। जाओ, बहू को नए कपड़े लेके दो। जी। तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। जी। हाँ वस्ती जी। दिखाई नहीं देता क्या आपको? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मॉल में ये लोग। माफ कीजिएगा। इट्स ओके। ट्रिप टीचर को किसने अंदर घुसने दिया? इतना महंगा लहंगा खराब कर दिया। माफ कीजिए सर जी, वो गलती हो गई। अरे 50,000 रुपए का है, भरो अब इसके पैसे। 50,000 जी, 50,000 तो नहीं होंगे। हाँ, मैं कल धोकर ले आऊंगी सर जी, मैं पक्का कल ले आऊंगी, इस्त्री भी कर दूंगी। एक मिनट, तुम कहीं चोर तो नहीं? कहाँ है तेरा गैंग? सारे गैंग वाले मॉल्स में घूमकर चोरियां करते हैं सब। एक, अरे नहीं सर जी, आप किसी बातें कर रहे हो, मैं चोर दिखती हूँ क्या आपको? पर शक्ल से तो किसी करोड़पति की औलाद भी नहीं लगती। चल निकल यहाँ से। सॉरी सर, उसने आपको हाथ लगाया, चोर है सर वो। जुबान संभाल के बात कीजिए, जिसे आप चोर कह रहे हैं वो तेज ढिल्लों की वाइफ है। आपको क्या लगा इस लड़की की हैसियत नहीं है कि आपके शोरूम के महंगे कपड़े खरीद सकती है? तो मैं आपको बता दूं, ढिल्लो परिवार की बहू है ये, चाहे ना तो एक सेकंड के अंदर पूरा शोरूम खरीद सकती है आपका। तो अब आप मेरी वाइफ को आपके सबसे महंगे कपड़े दिखाएंगे, और ये जो आपका नुकसान हुआ ना, उसके पैसे भी बिल में ऐड कर देना, समझे? सर उसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज आप बैठिए। सॉरी मैम, आइए मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ, प्लीज आप बैठिए। ओए जूस लेके आ, और अरे मैडम को दिखाओ जरा जो चाहिए ने। बस रहने दीजिए, बहुत महंगी है। एक काम कीजिए, आपने जितनी भी दिखाई हैं सारी इनको ट्रायल्स के लिए ले जाइए। आइए मैम। चल।
ये भी पैक कर दूं? नहीं, ये वाली साड़ी ये पहन कर जाएंगी और बाकी जितने भी ट्रायल्स हुए हैं सारे पैक कर दीजिए। ओके सर। सर आपको कुछ पसंद आया? जितना भी इन कपड़ों का हुआ है वो, और सुबह आपका जो नुकसान हुआ है उसका भी कट कर लीजिएगा। सर उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, आपका काम यहाँ पर लोगों को कपड़े बेचना है, उन्हें जज करना नहीं। और आज के बाद किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं चलता है, ये बात तो आज आप समझ ही गए होंगे। हाँ, तुम क्यों पकड़ रहे हो इन्हें? इनका काम है, इन्हें दो, ये बैग गाड़ी तक छोड़ेंगे। मैं लेके आता हूँ सर, आप चलिए चलिए, मैं लेके आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज। मैं आज के लिए सॉरी, आई होप आप हमारे शोरूम पर दोबारा जरूर आए, प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर जी थैंक यू। तेज सर जी, आज आपने सबके सामने मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया, दिल से शुक्रिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? अपने दिमाग में ना कोई गलत फहमी मत रखना। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा सिर्फ अपनी फैमिली के इज्जत और रेपुटेशन बचाने के लिए कहा है। तुम्हारी वजह से तेज ढिल्लों का नाम पूरे शहर में मजाक बन के रह गया, और ये बड़ी थैंक यू बोलने वाली। सही है सर जी, बिल्कुल सही है, माफ कीजिएगा, मुझे ही गलत फहमी हो गई थी। मैं भी कहा नीम चढ़े करेरे पर शहद की उम्मीद कर बैठी थी। तकलीफ सिर्फ आपको हो रही है क्या? तकलीफ मुझे भी हो रही है, कोई मेरी मर्जी से नहीं हुई थी शादी। लेकिन हाँ, आप में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है ना कि भगवान को साक्षी मानकर जो फेरे लिए थे ना, उसे मैं अपना धर्म समझकर पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि मैं गरीब घर से हूँ, मगर आपके परिवार के रंग में ढलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम गरीब लोग ना दिल के बहुत अमीर होते हैं। जिलाल जी, एक और बार अगर तुमने मुझे तीखा लाल जी खाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? छोड़िए, वरना यहाँ लोगों को गलत फहमी हो जाएगी कि इस नकली मियाँ बीवी में बहुत प्यार है। छोड़िए सर जी, दर्द हो रहा, छोड़िए। सीट बेल्ट पहनना आता नहीं है, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। मैडम जी, आपने तो मुझे मेरे किए की सजा दे दी, पर उस दालचीनी का क्या? उसे तो आपने सजा देने की बजाय वो नौलखा हार दे दिया। दिमाग लगाने का काम तेरा नहीं है, जितना तुझसे कहा जाए उतना किया कर।
इतनी सारी शॉपिंग कराने की क्या जरूरत है? गरीब लड़की, आदत नहीं है उसे, दम घुटेगा उसका। एनीवे बेटा, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखना, माता रानी को जो हार चढ़ाते हैं वो टूट गया है मुझसे। अब बिना हार के तो माता की चौकी हो नहीं पाएगी। आज तक हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं है बेटा। लोग बातें करेंगे, अनर्थ हो जाएगा। नहीं, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किसके कदम पड़े इस घर में कि अपशगुन के बाद अपशगुन हो रहे हैं। बेटा, मैं सच बताऊं तुझे, मुझे बहुत डर लगने लगा है। जब से तू कनाडा से वापस आया ना, पता नहीं कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। एक के बाद एक अनर्थ होते जा रहे हैं बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। अगर माता की चौकी नहीं होगी तो लोग कहेंगे कि इसकी वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि नए कदम तो इसी के पड़े ना बेटा। तो अब शगुन मैडम जी, माता की चौकी आज होकर रहेगी। मैं इस घर में कोई अपशगुन नहीं आने दूंगी मैडम जी। कैसे होगी माता की चौकी? टूटा हुआ हार पहनाऊंगी मैं माता जी को। मैडम जी, मैं ये हार ठीक कर सकती हूँ। उतने देंगे? ये तो पुराने वाले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। कि मैडम जी, ये हार को देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये हार कभी टूटा था। पूजा के बाद ना हम किसी सुनार के पास जाकर इसे अच्छे से बनवा लेंगे। तब तक मैं इसे धूप में सुखा कर आती हूँ, रंग भी सूख जाएगा और पूजा तक तैयार भी हो जाएगा। मैडम जी, सीधी दिखती है पर अकल की कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे इस दालचीनी को हराना आसान नहीं होगा मैडम जी। ये जितनी चाहे अकल लगा ले, राज रानी ढिल्लो को ये नहीं हरा सकती। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि खुद तेज अपने हाथों से इस नौकरानी को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। ले आए। जो सामान तुझे बताया था वो सब इसमें है ना? हाँ जी मैम। किले तेरे पास है, निकल जल्दी यहाँ से। अब मुझसे हाइड होकर काम करने लग गए हो आप? क्या है इसमें, जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा आप मुझे आउटसाइडर समझ रहे हो। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा तुझे। इतना समझ ले कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो हमें पटियाले की रानी से भी दो कदम आगे कर देगा। लेकिन होगा कैसे? दालचीनी सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।